आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स विद हैलोजेंस, यानी अल्कीन्स किस तरह से हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं और इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि किस तरह से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और इसके रिजल्ट में क्या प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है। सबसे पहले अल्कीन में हम लेंगे इथीन, यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया और इसके अराउंड हाइड्रोजन एटम्स अटैच हो जाते हैं। रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, क्लोरीन जो कि Cl2 की फॉर्म में मौजूद होता है। याद रखिए कि अल्कीन्स जब हैलोजेंस यानी क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा। एडिशन का क्या मतलब होता है? किसी चीज का ऐड हो जाना, शामिल हो जाना। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से ये एडिशन रिएक्शन शो करता है। अब यहाँ पर इथीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, सो यहाँ पर ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन जिसके वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और हम जानते हैं कि कार्बन हमेशा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड बनाता है, चाहे वो तमाम सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में, ये 4 बॉन्ड को कंप्लीट करता है ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। सो यहाँ पर जैसे ही इथीन में क्लोरीन को ऐड किया गया तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होगा ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप देखेंगे कि ये एक बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हमारे पास कार्बन के अराउंड 1, 2 और 3 बॉन्ड्स रह गए और कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। जब बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ था तो 1, 2, 3 और 4 बॉन्ड थे और जैसे ही क्लोरीन इसमें ऐड किया गया तो यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब क्या होगा? कार्बन का जैसे ही एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो अब यहाँ पर मौजूद ही जो क्लोरीन होगा, यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान भी ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये क्लोरीन एक क्लोरीन आकर अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ और सेकेंड वन क्लोरीन आकर अटैच होगा इस सेकेंड कार्बन के साथ और इसके रिजल्ट में कार्बन की 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाएंगी अगेन। चलिए देखते हैं किस तरह से। ये कार्बन है, हमने कहा कि डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका, सो कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है। 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच थे यहाँ पर, ये हो गए 2 हाइड्रोजन यहाँ पर फर्स्ट कार्बन के अराउंड अटैच, सेकंड कार्बन के अराउंड भी 2 हाइड्रोजन अटैच थे तो यहाँ पर हम अटैच कर देंगे 2 हाइड्रोजन सेकंड कार्बन के अराउंड। अब यहाँ पर एक क्लोरीन इस कार्बन के साथ और सेकंड क्लोरीन इस कार्बन के साथ आके अटैच हो गया तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन के साथ एक क्लोरीन और सेकेंड कार्बन के साथ सेकेंड क्लोरीन अटैच हो गया। सो आपने देखा कि जैसे ही यहाँ पर कार्बन कार्बन ने 1 बॉन्ड ब्रेक किया तो अगेन क्लोरीन यहाँ पर अटैच हो गया और इस तरह से अगेन कार्बन ने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर लिए और हमारे पास 1,2-डाइक्लोरो एथेन की फॉर्मेशन हो गई। अब सवाल ये है कि ये एडिशन रिएक्शन क्यों कहलाता है? आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद क्लोरीन जो है वो इथीन में ऐड हो गया और इसके रिजल्ट में हमारे पास 1,2-डाइक्लोरो इथेन की फॉर्मेशन हो गई क्योंकि यहाँ पर एडिशन हुई है इस रिएक्शन में क्लोरीन की इथीन में। यही वजह है कि इस रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए जानते हैं कि हमारे पास इथीन किस तरह से ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा। अगेन हमारे पास हम लेते हैं इथीन, 2 कार्बन एटम्स की चेन हो गई और इसके अराउंड हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर अटैच हो जाएंगे तो ये हो गया इथीन जो कि कलरलेस होता है। जैसे ही ये रिएक्ट करेगा ब्रोमीन के साथ जो कि Br2 की फॉर्म में यहाँ पर मौजूद होगा, ठीक है, ब्रोमीन वाटर जो कि ब्राउनिश रेड कलर का होता है, जैसे ही इथीन में ऐड किया जाता है तो ये कलरलेस हो जाता है, ठीक है। तो ये टेस्ट जो होता है अनसेचुरेशन को चेक करने के लिए भी किया जाता है। अब सवाल ये है कि हमारे पास यहाँ पर अगेन हम कहेंगे कि ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा, यानी हमारे पास ब्रोमीन जो होगा यहाँ पर एड होगा डबल बॉन्ड के अक्रॉस। किस तरह से होगा? अब यहाँ पर कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होगा ये ब्रेक होगा और यहाँ पर ब्रोमीन ब्रोमीन जो ये भी ब्रेक हो जाएगा। अब एक ब्रोमीन आकर अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ एंड सेकंड वन ब्रोमीन आकर अटैच हो जाएगा सेकंड वन कार्बन के साथ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो गया। 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी इस कार्बन के अराउंड अटैच है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे।
यहाँ सेकेंड कार्बन के अराउंड भी टू हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच है, तो यहाँ पर टू हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे। और साथ ही हमारे पास ब्रोमीन जो होगा इस कार्बन के साथ भी और इस कार्बन के साथ भी अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर हम अटैच करेंगे फर्स्ट वन कार्बन के साथ भी एक ब्रोमीन एंड सेकेंड वन कार्बन के साथ भी ब्रोमीन, और इस तरह से कार्बन जो होगा अपने फोर बॉन्ड्स अगेन कंप्लीट कर लेगा और हमारे पास प्रोडक्ट में फॉर्मेशन क्या होगी, 1,2-diBromoethane की। ठीक है, 1,2 क्या पोजीशन को शो कर रहा है, 1 पोजीशन एंड 2 पोजीशन पर ब्रोमीन अटैच है। डाई का वर्ड 2 को रिप्रेजेंट करता है, यानी 1 और 2 पोजीशन पे हमारे पास 2 ब्रोमीन अटैच है और इस तरह से हमारे पास 1,2-diBromoethane की फॉर्मेशन हो गई।